उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गोरखपुर क्षेत्र प्रबंधक कार्यालय पर बुधवार को कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा और संविदा चालक परिचालक कर्मचारी संघर्ष यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक आहूत की गई। क्षेत्र प्रबंधक कार्यालय पर आयोजित हुई बैठक में 30 दिसंबर को होने वाले एक दिवसीय धरना और रोडवेज बस स्टेशन से कार्मल स्कूल काली मंदिर इंदिरा बाल विहार होते हुए क्षेत्र प्रबंधक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई गई। बैठक में मुख्य रूप से सहसंयोजक सिद्धनाथ सिंह, प्रवक्ता महेश कुमार राय, जयप्रकाश दुबे, कोषाध्यक्ष नूरुल हसन, संविदा चालक परिचालक यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धि सागर पांडे, अजय कुमार रामदवन और रामललित सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघर्ष मोर्चा के सचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा, उसी के संबंध में चर्चा चल रही है, कैसे क्या करना, कैसे आगे हमारा कार्यक्रम बताते रहिए। हमारे मुख्यालय के क्रांति मोर्चे द्वारा तय किया गया था, क्रांति मोर्चे द्वारा यह तय किया गया साल धरना आयोजित किया गया था, जो कि जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से परिवहन मंत्री जी को और क्षेत्रीय प्रबंधक की जिस जो हमारे राष्ट्रीय मार्ग हैं जिन पर कि हम पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं, हमारी आय पूर्ण रूप से निर्भर, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा और हमारी आय प्रभावित होगी, साथ ही हमारे समानांतर निजी बसें चलेंगी, जिससे कि आज की मीटिंग में तय हुआ कि 25 तारीख जिसमें कि सबको यह बताया जाएगा कि 30 तारीख को जो हमारी रैली निकलेगी, जो मंडलायुक्त महोदय को दिया ज्ञापन देना है, देवरिया डिपो में रैली होगी, 28 को बस्ती में रैली होगी तथा 29 को गोरखपुर बस स्टेशन पर बृहद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, एकत्रित करके और एक बृहद रैली आयोजित होगी जो कि कार्मल स्कूल होते हुए बस स्टेशन से होते हुए कार्मल स्कूल उधर से चेतना की। अशोक कुमार सिंह सचिव संघर्ष मोर्चा, आज जो हमारे प्रांतीय मोर्चे ने एक कार्यक्रम 25/11/2020 को यहाँ क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में आयोजित किया था, जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय के मार्गों पर निजीकरण थोपने का प्रयास चल रहा है, उसके कार्यक्रम को आगे करते हुए हम लोग एक रैली यहाँ पर मीटिंग किए हैं, जिसमें एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें 26 तारीख को राप्ती नगर बस स्टेशन पर, 27 को बस्ती डिपो में, 28 तारीख को देवरिया डिपो में और 29 तारीख को गोरखपुर बस स्टेशन पर जन जागरण करेंगे और 30 तारीख को हम लोग गोरखपुर बस स्टेशन से एक रैली निकालते हुए यहाँ कार्मल होते हुए, चेतना तिराहे होते हुए, जिलाधिकारी महोदय के आवास होते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर आएंगे, यहाँ एक विशाल जनसभा करेंगे, उसके पश्चात मंडलायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे जो कि माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित होगा और उनके माध्यम से मंडलायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन जाएगा और दूसरा ज्ञापन एक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय के माध्यम से प्रबंध निदेशक महोदय को भेजा जाएगा। सरकार के द्वारा किसी भी धरना प्रदर्शन या अन्य कार्यों के लिए रोक लगाया गया है, इस दौरान आप लोग कैसे अपने प्रदर्शन को करेंगे? हम लोग COVID-19 की एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपना यह कार्यक्रम करेंगे। यह कार्यक्रम हम लोगों का पूर्व ही मोर्चे द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है जो कि पहले से चल रहा है और जिसकी हम लोगों ने हर जगह सूचना दे रखी थी और इस बार भी सब जगह सूचना देंगे और शांतिपूर्ण ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने कार्यक्रम को करेंगे।